नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूँ प्रीति भारद्वाज। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाओं के जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले रिजल्ट को घोषित किया गया है। 5 दिनों में इस पूरी परीक्षा को संपन्न कराया गया, नकल विहीन, शांतिपूर्ण तरीके से। एक चुनौती सरकार के सामने बड़ी भी थी यहाँ पर परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले जब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई थी तो कहीं ना कहीं सरकार के यहाँ तैयारियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे। 60,244 वो पद हैं जिनके लिए तकरीबन 40 लाख के आसपास अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, और अब जाकर चूंकि रिजल्ट सामने आया है और एक तरीके से आप समझे कि अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे जो कि आपको एक एक जानकारी देंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाओं से लेकर, क्योंकि 5 दिनों में परीक्षाओं को संपन्न कराया गया, अलग अलग शिफ्टों में इसको संपन्न कराया गया और शांतिपूर्ण तरीके से, एक तरीके से हम कहें कुल मिलाकर तो परीक्षाएं आयोजित कराई गई है। पंकज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नगमा हमारे साथ जुड़ रही है और मोहित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सबसे पहले आपके पास आते हैं, 60,244 पदों पर जो परीक्षाएं अगस्त के महीने में 5 दिनों में 2 अलग अलग शिफ्टों में कराई गई थी, उसके नतीजे अब आ चुके हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे अभ्यर्थी इजी टू गो, उनके लिए क्या प्रोसेस होने वाला, आप बताइए। देखिए, ये जो रिजल्ट आया है लगभग 1.5 लाख के करीब ज्यादा, मतलब कुल जो सीटें हैं 60,270, उसके सापेक्ष में लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच अभ्यर्थियों को पास किया गया है यहाँ पे। और अब मेन परीक्षा जो है, यानी कि फिजिकल के बाद मेडिकल एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 3 प्रोसेस और है जिसके बाद अभ्यर्थी कांस्टेबल मतलब यूपी पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। बड़ी बात ये थी कि ये एक जो भर्ती थी वो सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई थी सरकार के लिए। बिल्कुल, चुनाव के वक्त ये मुद्दा सबसे ज्यादा उछला कि किस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक की समस्याओं से जूझना पड़ा, दोबारा भर्ती के लिए डेट्स ना आई, और उसके बाद तब जाकर जब प्रोटेस्ट हुए उसके बाद जब नई डेट्स का अनाउंसमेंट हुआ और कहा गया कि 6 महीने में हम आपको रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद अब ये रिजल्ट आया। तो ये एक छात्रों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा संख्या में लोग इलाहाबाद, लखनऊ और मेरठ, पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक तमाम छात्र जो है तैयारियां करते हैं, और उनकी ये जो भर्ती होती है बड़ी संख्या में, जो सेना में भर्ती आती है, पुलिस में भर्ती आती है, बड़ी उम्मीदें होती है। बिल्कुल नगमा, चूंकि देखिए ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जैसा कि मोहित ने बताया, बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी काफी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी आए थे, और कुछ तो एक ऐसे आर्टिकल्स भी हमने देखे थे कि किसी देश की उतनी ज्यादा आबादी भी नहीं होती है जितने अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंच गए थे। आप कैसे देख रही है इन चीज को, अब चूंकि रिजल्ट आ गया है? जी, इसमें 48 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 32 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए वहाँ पे केंद्रों पर पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने परीक्षा दी। और अब जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें नगमन, क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट आया है इसके बाद छात्रों में कैसा उनका मोटिवेशन होगा, क्योंकि लंबे समय तक लोग तैयारियां करते हैं प्रयागराज में तैयारियां करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में आप देखोगे इतनी ज्यादा भीड़ होती है, क्या लगता है उन बच्चों को कितनी बड़ी राहत है? उन्हें बहुत उम्मीद थी कि हमारा रिजल्ट आएगा, और आगे जिनका वो नहीं हो पाया है, जिनका क्वालिफाई नहीं कर पाए इस पेपर को, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आगे भी योगी सरकार ने कहा था कि 1 लाख भर्ती परीक्षाएं, मतलब ये यानी एक प्रोसेस में है यहाँ पर, अभी 60,000 लगभग 60 लाख तक, 60,000 तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए 60,244 पदों के लिए अभी वैकेंसी आई, और जैसा कि नगमा ने भी कहा कि योगी सरकार की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि इससे भी बड़े पैमाने पर भर्तियां आने वाली है, यानी रोजगार के नजरिए से युवाओं के लिए अवसर खुलने वाले हैं। अब पंकज सर आपकी बारी, चूंकि देखिए यहाँ पर अब रिजल्ट सामने आ चुके हैं, एक लंबा चौड़ा अभी भी प्रोसेस हालांकि बाकी है, लेकिन जो एक सबसे जो टफ, अगर किसी चीज अभ्यर्थियों को लेकर होता है टफ पार्ट जो होता है वो अभी अब हो गया, रिटन एग्जाम तो हो गया, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बात करें नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, और ऐसे में कट ऑफ का भी अगर हम जिक्र कर ले तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस की जो परीक्षाएं जो हुई है उनमें आप कैसे इसको देख रहे हैं, कट ऑफ को भी अगर लेकर देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं 1,78,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के जो छात्र सफल हुए उनको मैं बधाई देता हूँ, और उनसे कहता हूँ जो आप जो अगला चरण है, अब आपने सबसे बड़ी बाधा को पार कर लिया। एक दूसरी बाधा है जो फिजिकल एफिशिएंसी का, तो फिजिकल एफिशिएंसी में रनिंग होता है, जंपिंग होता है, तो इसको आप जल्दी से उसको आप प्रैक्टिस शुरू कर दें अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, और ये जो है सो 15 दिसंबर के आसपास ये शुरू हो सकता है। बेसिकली ये जो परीक्षा होता है जो 5 चरणों में होता है, पहला चरण जो रिटेन है, रिटेन आप क्वालिफाई कर गए हैं, दूसरा होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी का, तो फिजिकल एफिशिएंसी में रनिंग और जंपिंग ये सब होता है, उसके बाद से आपका होता है फिजिकल
मेजरमेंट का होता है जिसमें कि आप चेस्ट हाइट और ये सब मेजर किया जाता है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है, जो मेडिकल में कोई आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद से किसी तरह से का बीमारी तो नहीं है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये जो पेपर था ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट था। इतने कदाचार के पेपर लीक के इतने मामले आ रहे थे, तो उसको पहली बार अगर इसको हम बोलें, हो सकता है हाइपोथेटिकल हो पहली बार बोलना, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा जो अपना अनुभव है वो कहता है, जो पहली बार ऐसा हुआ है जो पेपर लीक नहीं हुआ है और किसी भी तरह से कोई मतलब इस पेपर पे उंगली नहीं उठा है। साल भर बाद ये वैकेंसी का पेपर हुआ है। अब इसमें जो अब ये जितने भी प्रोसेस, उसमें 3 से 4 महीने और लग सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश जिन छात्रों को जो इसमें सेलेक्ट नहीं हुए उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जरूरत यह है जो अगर उनका उम्र बचा हुआ है, अगर वो हैं तो वो इसके लिए तैयारी शुरू कर दें। इसलिए जो 40,000 का वैकेंसी, जो मुझे जो लगता है जनवरी से फरवरी महीने में वो सरकार इसके लिए वैकेंसी निकाल सकती है, क्योंकि योगी सरकार का कहना है जो हम 1,00,000 यूपी पुलिस में भर्ती करेंगे तो 60,000 आपका 40,000 ये। अब रही बात जो इस पेपर से जो उत्तर प्रदेश सरकार का योगी गवर्नमेंट का है उनका भी एक जो मनोबल होता है, जो वैकेंसी और युवाओं को लेके, जैसे आप अभी पीसीसीएस परीक्षा को देख रही थी जो आंदोलनरत थे, तो उस तरह से एक तरह से उसको काबू में करने का या उसको शांत करने का ये काम करेगा। बिल्कुल। और चूंकि देखिए सरकारें अपनी तरफ से कई वादे भी करती है रोजगार को लेकर हो, लेकिन फिलहाल अगर यूपी पुलिस परीक्षाओं को लेकर कहे तो अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऊंच नीच या किसी भी तरीके की खामी हमने जरूर देखी है, लेकिन ये जो एग्जाम हुए वो सरकार की कार्यशैली को लेकर, उनके रवैये को लेकर या फिर उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी कर रहे थे यहाँ पर। और विपक्ष की भी ओर से बार बार सरकार को इसी चीज पे साधा जा रहा था कि पहले तो आप देरी से परीक्षाएं करा रहे हैं लेकिन फिर उसमें पेपर लीक हो रहा है तो और ज्यादा देरी, तो उन अभ्यर्थियों के भी लिहाज से इसको जोड़ के देखा जाए। देखिये ये कई बार होता है जो ये होने के बाद भी ये कोर्ट में पहुंच जाता है, तो मुझे लगता है जिससे जो छात्रों का है, छात्रों को लेके इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और मोहित ये बताइए, जो योगी सरकार ने जो इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो अब जो है सो बेरोजगारी को लेके और जो विपक्ष था इस पर हमलावर था, और हम ये देखते हैं, देखिए इस रिजल्ट कब आया है, जैसे कल वोटिंग हो गया, अगर सरकार चाहती तो रिजल्ट पहले भी आ सकता था। इसमें मुझे नहीं लगता जो चुनाव आयोग का जो वो रहता है कुछ होता। तो आप इसको कैसे युवाओं की नजर से कैसे देखते हैं? ये जो रिजल्ट है ये बात इतनी बड़ी बात समझिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा उसके बाद से अब तक विपक्ष ने क्या मुद्दे उठाए। विपक्ष ने कहा कि पेपर लीक सरकार है, पेपर नहीं करा पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। तो इस मामले में अगर ये जो 60,000 की जो भर्तियां हैं पुलिस कांस्टेबल की, उसका रिजल्ट आना, उसको रिजल्ट देना, और समय के अंदर जो बात सरकार ने कही थी कि 6 महीने के भीतर हम परीक्षा कराएंगे और उसका रिजल्ट भी दे देंगे, तो यहाँ पर अब जो है रिजल्ट दिया गया है। अब जो आगे का प्रोसेस है वो फिलहाल होना बाकी है, लेकिन विपक्ष का जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि पेपर लीक सरकार, जो कि एक ठप्पा सा विपक्ष लगा रहा था, खासतौर पर अखिलेश यादव हो चाहे विपक्ष में तमाम पार्टियां हो, वो इस मुद्दे को उठा रही थी। और जो छात्र हैं, छात्र लगातार उनमें गुस्सा उपज रहा था कि आखिर जो एक के बाद एक तमाम भर्तियां निकली, उन तमाम भर्तियों में, चाहे फिर वो SI की भर्ती हो, उन तमाम भर्तियों में आरोप लगाए दिए गए कि भाई आप अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आखिर ठीक तरीके से कब परीक्षाएं होगी, क्योंकि देखिए परीक्षा आयोजित कराई जाती है, हालांकि इसमें प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी फौज रहती है, वो तैयारी करती है, चाहे वो परीक्षा केंद्रों से लेकर वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर ऐसी स्थिति में किसी चीज को लेकर पूछा जाता है तो वो पारदर्शिता को लेकर पूछा जाता है। नगमा, चूंकि देखिए कई बार हमने देखा है कि पेपर लीक की स्थिति होती है, और सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को होती है तो उन अभ्यर्थियों को होती है जो कि सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, उनको बहुत उम्मीद होती है कि हम जो परीक्षा दे रहे हैं वो उसका सफल, मतलब परिणाम जो होगा वो सफल आएगा। और आगे अगर पेपर तो अब उन्होंने दे दिया है, रिजल्ट भी आ गया, अब आगे प्रोसेस है कि वो बिल्कुल आप बताइएगा कि मतलब किस तरीके से यहाँ पर वो रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। हाँ, रनिंग मैं बताती हूँ, पहले ये बता दूँ कि रनिंग टेस्ट जो है अब 15 दिसंबर के बाद से ये रनिंग टेस्ट की जो प्रक्रिया है उम्मीद है कि अब शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर आपको आपका बॉडी मेजरमेंट होगा, उसके बाद फिर मेडिकल की तैयारी होगी, सर्टिफिकेट, हाँ भाई बिल्कुल, उसमें 3 चरण होंगे, उसके बाद फिर बिल्कुल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यानी जो सबसे जो टफ एक तरीके से हम कहते हैं कि जो रिटन एग्जाम होते हैं वो पड़ाव उन लोगों ने पार कर लिया है, और अब जो भी मुझे लगता है आप जैसा बता रही हैं कि 15 दिसंबर से अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए वो जो भी
चीजें शुरू हो जाएंगी, तो ये अभी समय है कि अपने आप को और भी ज्यादा, अगर कहीं कमी दिख रही है अभ्यर्थियों में अपनी, चाहे वो मेजरमेंट को लेकर हो, कद काठी से जुड़ाव हुआ हो, या फिर वो दौड़ को लेकर हो, तो अभी उनको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मुश्किल पड़ाव आपका निकल चुका है, लेकिन आगे और भी चरण है और उसके लिए भी अपने आप को तैयार करने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैं जो मोहित से मैं जानना ये बोलना चाहूंगा, जो छात्र सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जो 47 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था, 38 लाख के करीब इस परीक्षा में बैठे, जिसमें से 1,70,000 के करीब पास हुए, यानी कि जो बाकी 48 लाख में से 1,70,000 हटा दें तो बाकी जो बच्चे थे उनको निराशा हाथ लगी है। लेकिन देखिए, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। हम सभी कहते हैं ना कि आसमान, मतलब सितारों के आगे आसमान में जहान में बहुत कुछ है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये परीक्षा आपकी उम्मीद, बिल्कुल हम एक ही चीज से कई बार होता है जिंदगी में, एक ही चीज से अपनी सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, लेकिन हमें एक पॉजिटिव तरीके से रहकर सोचना चाहिए। लेकिन मैं उन छात्रों की मजबूरी समझ सकता हूँ, मैं उनके साथ रहा भी हूँ, उन लोगों से मिला भी हूँ। जो लोग सालों तक एक किराए के मकान में, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, घर से बोरियों में चावल दाल लाते हैं, बस चावल दाल खा के एक टाइम का वो गुजार रहे हैं, तो उन पे भी अपना प्रेशर है। लेकिन वही बात है कि आपको पॉजिटिव होकर अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और सबसे बड़ी बात है, जो 40,000 तो फिर वैकेंसी आने वाला है, तो अगर आपका उम्र, आप उसके लिए भी तैयारी उसके लिए कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा, जो ये जो वैकेंसी है इसमें तो कई ऐसे होंगे, क्योंकि ये देखिए 2023 का वैकेंसी है, तो कई ऐसे छात्र होंगे जिनका की कहीं कहीं चयन हो गया होगा, कई ऐसे छात्र होंगे जिनका की उम्र जो है सो इसको जो क्राइटेरिया होता है वो उससे पार कर गया। तो जो नए छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जम के करें, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए नए रास्ते निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब आप एक तरीके से समझिए कि भर्तियों की जो बाहर है वो आने वाली है, और ऐसे में अगर आपका चयन इस परीक्षा में नहीं भी होगा तो आप दूसरे परीक्षाओं के लिए जरूर आप तैयारी कीजिए। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे न्यूज टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।